नमस्कार मित्रों, अभी अभी एक बड़ी खबर आई है मित्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा सुशासित सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा से प्रभावित होकर दादरा नगर हवेली में 2019 लोकसभा प्रत्याशी रह चुके दीपक कुराड़ा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। आज दादरा नगर हवेली भाजपा कार्यालय अटल भवन पर अपने समर्थकों के रखाचार के बड़े सभागारों में दीपक कुराड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल द्वारा पार्टी का केस ग्रहण कर लिया है। आदिवासी समाज से आने वाले पेशे से वकील दीपक कुराड़ा का दादरा नगर हवेली में ग्राम्य विस्तार में अच्छा प्रभाव है। दीपक कुराड़ा ने बताया कि मोदी जी की कार्यशैली ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया है और प्रदेश के भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन के काम करने के हृदय से इच्छुक है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व उन्होंने जो भी जिम्मेदारी सौंपे गए उस पर पूरी निष्ठा से वो उनकी टीम निभाएगी। आदिवासियों का भविष्य भाजपा के नेतृत्व में ही उज्जवल रहेगा, ऐसा उनका मानना है। आदिवासियों के लिए आधुनिक शाला, स्वास्थ्य कैंप, चेक डैम, रोजगार के स्वास्थ्य से आदिवासियों में भाजपा सरकार में विश्वास बढ़ा है। प्रदेश के आदिवासी युवाओं में अच्छी पेट रखने वाले कुराड़ा ने कहा कि प्रदेश में चौतरफ विकास, खासकर आदिवासी समाज के लिए मोदी सरकार ने जो योजनाएं चलाई है वह काबिले तारीफ है। भारत सरकार के द्वारा हमारे आदिवासी भाइयों के लिए किए गए कामों को वो भाजपा प्रदेश नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल के साथ महामंत्री संगठन विवेक डारकर जी, पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार, उपाध्यक्ष तेजस दोड़िया, हितेश लाड़, कपिला बेन, प्रदेश सचिव विलास भंडारी, उदय सोनवाले, बगुभाई पटेल, जिला अध्यक्ष अजय देसाई, युवा मोर्चा अध्यक्ष विशाल पटेल, एटी मोर्चा अध्यक्ष रमेश कूड़, इसी मोर्चा अध्यक्ष महेंद्र अगरिया, बी एस यादव, उन सभी कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे थे। धन्यवाद मित्रों, दमन स्वराज की ओर से पंकज पटेल।